स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों हजारों की संख्या में माइग्रेंट पहले से देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है, यह केवल असम के लोगों के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, यह विधेयक देश के सभी स्टेट्स और यूटीज पर भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य या क्षेत्र के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे सोच यह है कि उत्पीड़न के शिकार बोलने वाले ऐसे माइग्रेंट का नाम है बोलने उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट देश में कहीं भी हैं, वहां भारतीय नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकें और उसके बाद किसी भी भारतीय नागरिक की तरह देश के किसी भी राज्य में वह रह सकेंगे। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी। असम का बर्डन, मैं दोहराना चाहता हूं विशेष बल देकर इस वाक्य पर अध्यक्ष महोदय, कि असम का बर्डन यह पूरे देश का बर्डन है, केवल असम का बर्डन नहीं है। इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वह कदम केंद्र सरकार उठाएगी।